हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, मैकेनिज्म, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ये सब हम देख चुके हैं। आज हमारे पास जो नया टॉपिक है वो क्या है? आज हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विच आर शोन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं। कौन कौन से हैं वो देखते जाइएगा। सबसे पहला है एडिशन ऑफ HCN। सबसे पहला कौन सा है? एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड भी कह सकते हो। एल्डिहाइड और कीटोन में आप कैसे करोगे? हाइड्रोजन साइनाइड भी बोलते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन बनता है यहां से, क्या बनता है? हाइड्रोजन साइनाइड को जब आप ऐड करोगे, हाइड्रोजन साइनाइड को जब हम ऐड करते हैं तो आगे चलकर जो हमारा बनता है वो क्या बनता है? उन्हें बोलते हैं साइनोहाइड्रिन्स। क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन्स। तो आप याद रखना, व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद द HCN फॉर्म साइनोहाइड्रिन। क्या बनाते हैं वो? साइनोहाइड्रिन्स की फॉर्मेशन करते हैं। व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद द HCN फॉर्म साइनोहाइड्रिन्स। देखिएगा कैसे कह रहा है। मैं क्या करता हूं, मैंने HCN लिया। सबसे पहला जो आपका HCN है वो किसमें टूट जाएगा? CN नेगेटिव, और किसमें टूटेगा? H पॉजिटिव। लेकिन ये बहुत ही स्लोली टूटता है। कैसे टूटता है? बहुत ही स्लोली डिसोसिएट होता है, ये रिवर्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये H पॉजिटिव में बहुत स्लोली टूटता है। इसलिए क्या कह रहा है, जब हम HCN से रिएक्शन करवाते हैं ना एल्डिहाइड और कीटोन की, बहुत स्लो होती है। क्यों? CN नेगेटिव बहुत काफी लंबे समय के बाद बनता है। क्यों? क्योंकि ये स्लोली टूटेगा तो CN नेगेटिव कम अमाउंट में बनेगा, CN नेगेटिव कम अमाउंट में बनेगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन कैसे होते हैं? लेस रिएक्टिव। मैंने एक एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लिया है, मान लेते हैं ये ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH ले लिया। ये मैंने एग्जांपल लिया है। इसके अंदर सबसे पहले स्टेप में कौन ऐड होगा? स्टेप 1। आपको भी पता है स्टेप 1 में कौन ऐड होगा? CN नेगेटिव। CN नेगेटिव पहला स्टेप मैंने तुम्हें बताया था कैसा होता है, स्लो स्टेप बताया था ना। अरे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म नहीं किया था क्या? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव, यहां पे कौन सा चार्ज आया था? पॉजिटिव। तो इस CN नेगेटिव ने इस कार्बन पे अटैक किया था, यही किया था। तो आपका क्या बन गया था? CH3CO नेगेटिव H, और यहां पे क्या जुड़ गया था? CN। और स्टेप 2 क्या था आपका? स्टेप 2 हमने किया था CH3CH O नेगेटिव, और यहां पे है CN। फिर हमने किसका एडिशन किया था? H पॉजिटिव। कहां पे है? ये रहा हुआ HCN का, इसने इसके ऊपर अटैक। ये भी कैसा बता था? रिवर्सिबल। तो ये आपका बन गया था यहां पे H, यहां पे CN, और ये O। ये रिएक्शन जो है ना बहुत ही स्लो होती है, ये स्टेप भी, ये स्टेप भी। वैसे इसकी कंपैरिजन में ये स्टेप फास्ट होता है, लेकिन यहां पे जो आपको यील्ड मिलती है प्रोडक्ट वो कम बनता है। ये है साइनोहाइड्रिन। इसे हम क्या नाम देते हैं? साइनोहाइड्रिन नाम दिया जाता है। तो साइनोहाइड्रिन इन्हें बोला जाता है HCN के ऐड होने के बाद। तो साइनोहाइड्रिन फॉर्मड इन वेरी लो अमाउंट, या प्रोडक्ट फॉर्मड इन दिस रिएक्शन इन वेरी लो अमाउंट। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ही कम अमाउंट में बनता है, इन वेरी लो अमाउंट। या फिर हम कह सकते हैं HCN, व्हेन प्योर HCN is taken, it is less reactive, so reaction takes place slowly and low amount of cyanohydrin is formed. इस reaction को थोड़ा सा speed up करवाने के लिए, थोड़ी सी तेजी से करवाने के लिए हम base की presence में करवाते हैं। किसकी presence में? Base. This reaction takes place in presence of base to speed up the reaction. Reaction को थोड़ा सा fast करने के लिए हम base डालते हैं। इस base का क्या काम है? सुनिएगा, इस base का क्या काम है? ये जो बेस है ये डाला, ये क्या करेगा? जो आपने HCN लिया है, ये HCN बहुत स्लोली टूटता है, टूटता ना, इसको तोड़ने के लिए हम बेस डाल देंगे, बेस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या करेगा? इसके H पॉजिटिव को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींच लेगा। OH नेगेटिव से H पॉजिटिव को बहुत तेजी से खींचेगा, क्या बन गया? H2O। और इसमें से क्या निकल जाएगा? CN नेगेटिव बहुत तेजी से निकलेगा। अगर CN नेगेटिव तेजी से निकलेगा तो इसकी अमाउंट क्या होगी? ज्यादा। अगर CN नेगेटिव ज्यादा अमाउंट में डलेगा मिलेगा तो आपकी रिएक्शन भी कैसी हो जाएगी? थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी।
तो ये रिएक्शन स्लो होती है, टू स्पीड अप द रिएक्शन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ बेस बिकॉज दिस बेस हेल्प इन द डिसोसिएशन ऑफ HCN, HCN के डिसोसिएशन में हेल्प करता है, तो CN नेगेटिव formed in large amount, so reaction takes place fastly. इसलिए reaction कैसे होती है? बहुत तेजी से होने लग जाती है जब आप HCN को base के presence में करवाओगे तब. Otherwise कैसे होती है? ये बहुत ही slow होती है. तो यहाँ पे base का क्या काम है? To generate CN, cyanide ion, to generate cyanide ion या to dissociate HCN, HCN को dissociate करता है and form new nucleophile fastly, so reaction takes place fastly, हो जाएगा. इसके ऊपर कभी कभी एक conversion पूछ लेता है, तो अब देखिएगा इसमें conversion क्या पूछा जाता है. इसमें conversion पूछा जाता है convert acetaldehyde into lactic acid. कई बार ये पूछा हुआ है, कन्वर्ट इथेनल इनटू लैक्टिक एसिड, ये भी पूछ सकता है. एक और पूछ सकता है, इसको हटा दूं, देखिएगा कन्वर्ट एक और पूछ लेता कभी कभी, कन्वर्ट इथेनल इनटू थ्री हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये भी पूछ सकता है आपसे. थ्री हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड पूछेगा. कई बार ये भी पूछ लेता है टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का यही स्ट्रक्चर होता है, तो ये पूछ लेता कई बार. कैसे करोगे? इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड, टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का एक और नाम क्या है? लैक्टिक एसिड. कैसे कन्वर्ट करोगे? ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बना हुआ है. तो ये नीचे वाले कन्वर्जन भी लिख लिए होंगे आप सबने. क्या क्या लिखा? कन्वर्ट इथेनॉल इंटू लैक्टिक एसिड, कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड इंटू लैक्टिक एसिड, या कन्वर्ट इथेनॉल इंटू टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड. अब देखिएगा, सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड ले लो, ये ले लिया एसिटाल्डिहाइड, यही होता है या इथेनॉल. इसकी रिएक्शन आप HCN से करवा दो इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव बेस. रिवर्सिबल होती है, सीधा जोड़ दो पॉजिटिव नेगेटिव. इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव. ये जो नेगेटिव है ये इसके साथ, पॉजिटिव इसके साथ. एक ही स्टेप में भी करवा सकते हो, मैकेनिज्म हर बार कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म पूछे तभी बताना होता है. हो गया. अब आपको चेंज क्या करना है? इतना हो गया, ये लगाने नहीं होते हैं, ये आपको पता था, इतना ही आपने कर लिया. अब एक बात बताइएगा, टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये देखिएगा टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है या नहीं है. कैसे? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ये एल्कोल दो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. ये क्या रह गया? प्रीफिक्स. कौन सी कार्बन पे? सेकंड पे. तो टू हाइड्रोक्सी, एक दो तीन कार्बन के लिए प्रोपेनोइक एसिड हो गया. इससे अब यहां पर पहुंचना है, हमें यहां से चले थे, पहले यह बना लिया HCN डाल के, अब ये और बनाना है. बोलो क्या चेंज करूं? अरे मैंने तुम्हें याद आ रहा है CN की एक प्रॉपर्टी करवाई थी, तीन प्रॉपर्टी बस. देखो CH3 as it is H, as it is OH, यही रखना है. बस इस CN की जगह क्या लेके आना है? COOH. इस CN की जगह क्या लेके आना है? COOH. और साइनाइड का COOH कैसे बनता था? बाय द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. याद आ गई या नहीं आ गई? बाय द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. तो आप इसका क्या करोगे? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव. तो मैंने तुम्हें साइनाइड की तीन रिएक्शन लिखवा रखी है. CN किस में चेंज हो जाएगा? COOH में. ये देखो, इथेनल से लैक्टिक एसिड, या इसका एक और नाम क्या है? टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड. ये आपसे पूछा जा सकता है. तो यहां से यहां पे पहुंचे, फिर CN का COOH बना दिया, हो जाएगा. ये थी फर्स्ट रिएक्शन. इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, एडिशन ऑफ HCN इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, इस रिएक्शन को फास्ट अप करवाने के लिए बेस न्यूक्लियोफाइल डाला और यहां पर यह कन्वर्जन हो जाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा आप क्या करोगे. सेकेंड एग्जाम्पल में एडिशन ऑफ HCN हमने पहला किया है. सेकंड देखिएगा, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट
सोडियम हाइड्रोजन सॉरी सल्फेट नहीं सल्फाइट हाइड्रोजन सल्फाइट सल्फाइट होता है NaHSO3 ये होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट SO4 होता है सल्फेट तो SO3 सल्फाइट हो गया। इसका एडिशन आपको करना है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं ये जो NaHSO3 है ये लेस रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? लेस रिएक्टिव। इसलिए बात ध्यान से सुनिए, एक एक नोट कर लिया करो। एल्डिहाइड के साथ ये जब भी रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड प्लस में NaHSO3 तो रिएक्शन फास्ट होगी, लेकिन जब ये कीटोन से करेगा NaHSO3 तो स्लो होगी। रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन स्लो। रीजन बिकॉज कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा था ना, रीजन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस पढ़ा था ना, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आप लिख लो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस कीटोन आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द NaHSO3 बट एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड द सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। हो जाएगा, ये लेस रिएक्टिव थे पहले भी और अब भी NaHSO3 के साथ, लेकिन ये कैसा है? मोर रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड। इसलिए क्या कह रहा है, एक एक बात ध्यान से सुनिए, ये कह रहा है ये मोर रिएक्टिव है, ये क्या लेस रिएक्टिव है, इतने लेस रिएक्टिव है एरोमेटिक कीटोन नॉट रिएक्ट विद द एरोमेटिक कीटोन नॉट रिएक्ट विद NaHSO3। एरोमेटिक कीटोन मतलब मान लेते हैं आपके पास ये आ जाए बेंजीनिंग के ऊपर ये कीटोन जुड़ा हुआ है और इसकी रिएक्शन NaHSO3 से करवा दे तो आप तो प्रोडक्ट बना दोगे। प्रोडक्ट तो मैं बनाना सिखाऊंगा लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? नो रिएक्शन। तो लिख लो डाल लो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड द सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बट कीटोन आर लेस रिएक्टिव बिकॉज दे कंटेन्स द स्टेरिक हिंड्रेंस। Even though aromatic ketone not react with the sodium hydrogen sulfide because these are very low reactive due to resonance. इसमें resonance आया था इसलिए less reactive थे towards the nucleophilic addition reaction. Last video में पढ़ा था ना, तो last video जरूर देख लीजिएगा तब ये समझ में आएंगे। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है। इसका नाम होता है acetophenone, मेरी first video इसी chapter की मैंने डाल रखी है, उसमें बताया भी था एसिटोफिनोन नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन सल्फाइड, एसिटोफिनोन रिएक्ट नहीं करता है। बोलो पता चल गया कौन कौन रिएक्ट करेगा? एल्डिहाइड करेंगे, कीटोन्स भी करेंगे लेकिन एरोमेटिक कीटोन्स नहीं करेंगे, जैसे कि एसिटोफिनोन नॉट रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। हो जाएगा। अब देखिएगा आगे रिएक्शन, बोलो क्या लूं? एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने एक एल्डिहाइड का एग्जांपल और उसकी रिएक्शन करवा देते हैं NaHSO3 के साथ। ये ले लिया एक एल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे? NaHSO3। ये पहले किस में टूटता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये किस में टूटेगा उसी के बाद आगे बढ़ेंगे। ये टूटेगा Na पॉजिटिव ये रहा और SO3H नेगेटिव, ऐसे टूटता है ये। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जोड़ दें फिर ये हो गई Na पॉजिटिव इसके साथ SO3H इसके साथ, हो गया यही। अब क्या होगा? आगे भी होगी, इसमें एक स्टेप और होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। इसके अंदर क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब ये H पॉजिटिव इस Na पॉजिटिव की जगह ये Na पॉजिटिव यहां पे कर दो ट्रांसफर, ये ऐसे होती है कंप्लीट रिएक्शन। भाई बोलो समझ आया ही नहीं आया? एक दो एग्जांपल और रखूं, इनके बारे में और भी बातें बताऊंगा, अभी तक तो अभी सभी बताऊंगा। पहले बता दिया था एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव बट कीटोन आर लेस रिएक्टिव बट एरोमेटिक कीटोन नॉट रिएक्ट विद द NaHSO3, वो तो रिएक्शन ही नहीं करते हैं। हो गया। अब देखिएगा एक एक एग्जांपल दोनों का और रखता हूं, हटा दूं इन सबको, ये लीजिएगा। ये क्या कह रहा है? मैंने एक ये एल्डिहाइड ले लिया और एक मैंने ले लिया कीटोन, ये NaHSO3 से रिएक्शन करवाई, इसकी भी NaHSO3 से करवाई। बोलो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? बताया तो था एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्शन जब होगी तो ये जो रिवर्सिबल स्टेप थे ये थे रिवर्सिबल, करवा दो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां से Na पॉजिटिव SO3 नेगेटिव जोड़ दो, यही जुड़ा था ना, ये इसमें भी बना दो,
यही हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था आगे, प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर, ये एन ए पॉजिटिव इस एच पॉजिटिव की जगह, और ये यही किया था, कर दो फिर यहीं पे साथ के साथ। यहां पे भी यही हुआ था, प्रोटॉन ट्रांसफर कर दो, ये हो गया, यही बना। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात क्या है, ये ज्यादा रिएक्टिव थे, ये लेस रिएक्टिव थे कीटोन, लेकिन क्या कर रहा है, ये मोर रिएक्टिव होने के कारण जो ये रिवर्सिबल है ना, ये रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबल का मतलब ये आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है, दिस रिवर, दीज रिवर्सिबल स्टेप इन केस ऑफ एल्डिहाइड मूव फॉरवर्ड या मूव राइट हैंड साइड इन लार्ज अमाउंट, मूव राइट हैंड साइड इन लार्ज अमाउंट, क्या मतलब है इसका, इन लार्ज अमाउंट क्या मतलब है इसका, अरे ये ज्यादा रिएक्टिव है तो सीधी सी बात है प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट का मतलब राइट हैंड साइड में जाना, ये यहां पे, तो क्या है ये ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए क्या है इनका जो ये रिवर्सिबल स्टेप है ये किधर ज्यादा जाता है, राइट हैंड साइड की तरफ ज्यादा जाता है, बट इन केस ऑफ कीटोन दीज आर लेस रिएक्टिव, सो दिस स्टेप, दीज स्टेप्स मूव लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इन लार्ज अमाउंट, मतलब ये है ये कम रिएक्टिव था इसलिए ये क्या ये बना के वापिस इधर आने की ज्यादा कोशिश करते हैं, क्यों, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड में कम जाती है बैकवर्ड में ज्यादा, और ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा जाती है और बैकवर्ड में कम। ये बातें नोट डाउन कर लीजिएगा, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड द सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सो देयर रिएक्शन इन राइट हैंड साइड या इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव इन लार्ज अमाउंट, बट इन केस ऑफ कीटोन दीज आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड द सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सो their reaction move in backward direction large amount, or backward को हम क्या बोलते हैं, in left hand side in large amount and in forward direction in low amount, forward में कम जाती है और backward में क्या जाती है, ज्यादा जाती है। ये था भाई reaction with sodium hydrogen sulfide, बोलो हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी, कर लोगे, बता दिया ये सब कुछ, कर लिया नोट, आगे लिखोगे तो uses of रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद द सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जब इन एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से करवा दी तो ये प्रोडक्ट बन गए, इन्हें बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन का क्या यूज है, वो यूज देखिए, यूजेज ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद द सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, देखिएगा एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं बताता हूं क्या यूज है इसका, हटा दो बच्चों इसको, तो आप देखिएगा क्या यूज है इसका, यूजेज मैं बताता हूं तुम्हें एक एक करके, एक ही यूज इसका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा है, देखिएगा सबसे पहले हमने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, NaHSO3 के साथ, जैसे ही करवाओगे प्रोडक्ट बन गया, क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है इतना हो गया हमारा। अब इस प्रोडक्ट से वापिस हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, कैसे, इस रिएक्शन को वापस रिवर्सिबल करवा सकते हो या इसको वापस एल्डिहाइड बना सकते हो, कैसे, बाय रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड्स, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, डाइल्यूट एसिड के साथ करवा दो, तो जो ये प्रोडक्ट बना था ना ये वापस टूट जाएगा किसमें, एल्डिहाइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि ये रिएक्शन बहुत तेजी से बैकवर्ड में चल पड़ेगी, आपको एल्डिहाइड वापस मिल जाएगा। तो एल्डिहाइड वापस मिलेगा तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये हुआ, दिस रिएक्शन यूज्ड इन द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड इनमें यूज हो जाती है, क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए अब मेरी बात क्या मतलब है, पूरी बात बताता हूं। सबसे पहले ये एल्डिहाइड था, इसमें बहुत सारी ये इंप्योरिटीज थी, मान लेते हैं ये इंप्योरिटीज थी, ये NaHSO3 ने केवल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा या इन इंप्योरिटीज के साथ, ये जो NaHSO3 है ये केवल और केवल एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, इन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन की और प्रोडक्ट बना लिया, ये जो प्रोडक्ट बनता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जो ये आपकी इंप्योरिटीज है ये यहीं पे रह गई, कहां पे रह गई, यहीं पे, क्यों, दीज नॉट रिएक्ट विद द NaHSO3, ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, केवल और केवल ओनली एल्डिहाइड रिएक्ट विद द NaHSO3 फॉर्म द क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रोडक्ट। इस क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट को हम अलग से निकाल लेंगे, निकाल लिया तो इस बीकर में जो ये बीकर में रिएक्शन हुई थी इसमें क्या रह गई,
इंप्योरिटीज यहीं पे रह गई, इंप्योरिटीज से ये सेपरेट हो गया आपका एल्डिहाइड। क्यों? केवल और केवल एल्डिहाइड ने NaHSO3 से रिएक्शन की और क्रिस्टलाइन सॉलिड बना लिया। उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में एल्डिहाइड प्लस NaHSO3 जुड़ने से जो प्रोडक्ट बना था वो है, वही प्रोडक्ट है ना। इसके ऊपर मैंने बताया था डाइल्यूट एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड डालते ही क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, डाइल्यूट एसिड डालते ही इसमें से एल्डिहाइड वापिस निकल आएगा, प्लस में NaHSO3 वापिस निकल जाएगा। आपको क्या चाहिए था? एल्डिहाइड आपका वापिस बन गया, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं था। आपका एल्डिहाइड देखो वापिस, यहां पे इंप्योरिटीज थी इस बीकर में रह गई। दूसरे बीकर में हमने वो क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, उसके ऊपर डाइल्यूट HCl डाल दिया, डाइल्यूट एसिड डाल दिया और आपका क्या बन गया वापिस? एल्डिहाइड। क्या प्रिपेयर हो गया? वापिस आपका एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया। ये देखिएगा एल्डिहाइड वापिस बन गया या नहीं बन गया। तो ये किस में यूज हुआ? सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन। इंप्योरिटीज खत्म हो गई, प्योर हो गया, सेपरेट हो गया इंप्योरिटीज से। तो क्या करोगे? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ओनली रिएक्ट विद द NaHSO3, नॉट इंप्योरिटी, इंप्योरिटीज नॉट रिएक्ट विद द NaHSO3, फॉर्म द क्रिस्टलाइन सॉलिड। दज इंप्योरिटीज रिमेन्स इन द बीकर। दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हेन अगेन रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl, सॉरी डाइल्यूट एसिड, फॉर्म अगेन जनरेट एल्डिहाइड। वापिस क्या जनरेट कर देते हैं? एल्डिहाइड। सो इट फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटीज एंड प्योरीफाई। सो वी कैन सेपरेट एंड प्योरीफाई द एल्डिहाइड बाय द NaHSO3। पहले रिएक्शन करवा दो, प्रोडक्ट बन गया, उस प्रोडक्ट को अलग से निकाल दो, डाइल्यूट एसिड में डाल दो और वापिस एल्डिहाइड रीजनरेट हो जाएगा। इस तरह की रिएक्शन 6 यूनिट आपकी आइसोलेशन ऑफ मेटल उसमें आई थी, ये वहां पे किया था। अरे क्या हुआ इसमें मैकेनिज्म देखो, क्या हुआ, हमारे पास एक टाइप के कुछ पार्टिकल थे उसमें ये इंप्योरिटीज थी, इसके हमने बी से रिएक्शन करवा दी तो इन्होंने ए बी बना लिया जो सॉलिड है। तो इंप्योरिटीज के साथ तो बी रिएक्ट करेगा नहीं, केवल ए के साथ करेगा। इंप्योरिटीज यहीं पे रह गई, इस सॉलिड को हमने इस बीकर में से निकाल लिया, सेपरेट बीकर लिया, ए बी, ए बी को हीट कर दिया, वापिस ए अलग हो गया। देखो ये आपको मिल गया या नहीं मिल गया वापिस, यही काम इसमें हुआ है। बोलो समझ आया या नहीं आया? ये था यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन विद द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो दो एग्जाम्पल आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हो गए हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखो, अब देखिएगा थर्ड एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड और कीटोन में थर्ड एडिशन किसका है? एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट का एडिशन करेंगे तब क्या बनेगा? क्या होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। और ये वाली रिएक्शन ऐसी है जो आप कई जगह पढ़ चुके हो, कई जगह पे पढ़ चुके हो। तो आपने क्या करना है, या तो एल्डिहाइड लेना है या फिर क्या लेना है, कीटोन लेना है और उसके अंदर किसका एडिशन करना है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और मैंने तुम्हें बता रखा है जहां पे ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऐड होगा उसके जस्ट बाद यहां पे बनता है एक एडिशन प्रोडक्ट, और जो वो एडिशन प्रोडक्ट बनता है उसका हम करते हैं हाइड्रोलिसिस, मतलब उसके ऊपर क्या डालते हो? वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो फाइनली आपको मैंने करवाया था क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट से करवाते थे तो क्या बनता था? एल्कोहल। याद आया एल्कोहल के चैप्टर में? चलो यहां पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन आप ले लो, मैंने तुम्हें बताया था अगर आप कीटोन लोगे, ये ले लिया, तो बनेगा टर्शरी एल्कोहल बाय रिएक्टिंग विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। देख लेते हैं एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट, क्या फॉर्मूला होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का? RMGX, यही होता है ना। इस R की जगह पे कोई कार्बन चेन मान लेते हैं CH3 ले लिया, X की जगह पे कोई भी एलोजन मान लेते हैं क्लोरीन ही ले लिया। अब क्या होगा रिएक्शन देखिएगा, आपको पता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहां पे इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहां पे पता मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। ये वाला इसके साथ जुड़ेगा और ये नेगेटिव बता रखा है तो जोड़ दो क्या बन जाएगा? CH3, यहां पे क्या जुड़ गया? CH3, O, O के साथ कौन जुड़ जाएगा? MgCl, यही जुड़ जाएगा ना। अब यहां पे कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। यहां पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव, यही था ना। अब क्या होगा, मैंने बताया था इसके ऊपर आप क्या डालोगे? H2O। वाटर किसके प्रेजेंस में? एसिड। वाटर किस में टूटता है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यही बताया था। इस OH नेगेटिव को कौन ले लेगा? ये MgCl, क्या बन जाएगा? MgCl, इसको OH जुड़ गया, यही है। H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाएगा? CH3, C,
CH3 नीचे भी, CH3 ऊपर O, O के साथ कौन जुड़ गया? H। देखिएगा कौन सा अल्कोहल बन गया, टर्सरी अल्कोहल। तो जब कीटोन ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तब बनता है टर्सरी अल्कोहल। एल्डिहाइड जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो बता रखा कौन सा बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन एक एक्सेप्शनल था, एक एल्डिहाइड, कौन सा, ये वाला एल्डिहाइड ऐसा है जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करने पर क्या बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल। ये अल्कोहल की प्रिपेरेशन फ्रॉम द ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्शन विद द एल्डिहाइड एंड कीटोन वहां पे कर चुके हैं। फिर भी मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दे दिया है, आप वहां से फिर से उस वीडियो को देख के इस पूरे पार्ट को कवर कर सकते हो, अदरवाइज आपका हो गया है। बोलो इसमें कोई डाउट हो तो। चलें फिर आगे, नेक्स्ट एडिशन है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, एडिशन आपने कर लिया है। फोर्थ एडिशन आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एल्डिहाइड और कीटोन में है, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, आप अल्कोहल का एडिशन करोगे, एडिशन ऑफ अल्कोहल। सो देखिएगा जब हम एल्कोहल्स का एडिशन करते हैं तो क्या बनता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन आप ले लो, मान लेते हैं मैंने ये ले लिया RC OH, आपको पता है क्या ये एक एल्डिहाइड। एल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है, ROH, यही फॉर्मूला होता है ना एल्कोहल का, ये आपका एल्कोहल का फॉर्मूला है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ड्राई HCl गैस, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा, सबसे पहले तो क्या बनेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये रिवर्सिबल स्टेप होता है। अब यहां पे देखिएगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो इस पे नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है, इसके साथ किसको जोड़ दे, इस नेगेटिव को, OR नेगेटिव। ये नेगेटिव है, इसके साथ किसको जोड़ दो, H पॉजिटिव को जोड़ दो, क्या बन जाएगा, RCHO, यही हो गया। इस CH, इसके ऊपर पॉजिटिव था तो इसके साथ किसको जोड़ दिया, OR। OR कौन सा ग्रुप होता है, ये एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ा आपने, क्या जोड़ा है, ये एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ा है। इस ऑक्सीजन को कौन जुड़ जाएगा, ये H। ये देखिएगा भैया आपका बन गया। अब आपने क्या लिया था, एल्डिहाइड, रिएक्शन किसके साथ करवाई, अल्कोहल के साथ, कौन सा ग्रुप जुड़ा, एल्कोक्सी। लेकिन जब एल्डिहाइड के साथ एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो जो ये प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, क्या नाम दिया जाता है, हेमी एसिटल, जिसमें एक एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है लेकिन यहां पे एल्डिहाइड होना जरूरी है तब जो बनता है इसको तो नाम देते हैं हेमी एसिटल, क्या नाम दिया जाता है, हेमी एसिटल। अब आप क्या करोगे, इसकी रिएक्शन फिर से एक और एल्कोहल के मॉलिक्यूल से करवा दो, ये लो, ये भी कैसी होगी, रिवर्सिबल, वही ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में। फिर से देखिएगा क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यहां पे आपको पता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव और यहां पे कौन सा, पॉजिटिव। देखिएगा ये बॉन्ड टूट गया, टूटने के बाद ये क्या बन गया, OH नेगेटिव, इस H पॉजिटिव को लेगा, क्या बनेगा, H2O बन गया। ये OR, ये यहां पे इस कार्बन को जोड़ दो, क्या बन गया, RC और ये H, उसके नीचे क्या है, OR, एक एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ था, ये एक और OR यहां पे जुड़ गया। देखो कितने एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ गए, दो। जब दो एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ जाएंगे तो दो एल्कोहल के मॉलिक्यूल, एक यहां पे, एक यहां पे। अब इसको नाम देते हैं एसिटल, क्या नाम दिया जाता है, एसिटल। लेकिन एक बार फिर से कंडीशन, आपका यहां पे एल्डिहाइड होना जरूरी है, विदाउट एल्डिहाइड एसिटल नहीं बनेगा। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल से करवाओगे, हेमी एसिटल, दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा तो दो एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ गए, डाई एल्कोक्सी कंपाउंड बन गया, इसको हम एसिटल बोलते हैं। यहां पर क्या बन गया, डाई एल्कोक्सी कंपाउंड बन गया। ये देखिएगा एक एल्कोक्सी ये रहा, एक ये रहा, दो जुड़ गए, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, एसिटल नाम दिया जाता। ये था आपके पास रिएक्शन विद ड्राई HCl, सारी रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये क्या, ड्राई HCl गैस के द्वारा। ये आपके पास था एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन, अल्कोहल से करवाओगे तो क्या बनेगा, एसिटल, एल्डिहाइड लोगे तब, और एक हेमी एसिटल हो जाएगा। एक एग्जांपल और रखता हूं आपके सामने, आप कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, हटा दूं इन सबको। इस बार मैं कीटोन का एग्जांपल लूंगा, अभी मैंने एल्डिहाइड का लिया था तो इस बार मैं कीटोन का एग्जांपल ले लेता हूं, कोई भी कीटोन जो आपका मन करे। मान लेते हैं मैंने ये वाला कीटोन ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। एल्कोहल भी कौन सा ले लिया, CH3OH। बनाओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, अच्छे से आपके पास 5 सेकंड है, करो प्रिपेयर, क्या बन जाएगा।
हो गया। अब देखिएगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहां पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, किसके प्रेजेंस में होगी रिएक्शन? ड्राई HCl। इसका क्या काम है वो आगे बताऊंगा मैं, अभी इसीलिए नहीं बताया। ये आपके पास हो गया, जोड़ दो इस नेगेटिव को इसके साथ, इस H पॉजिटिव को इसके साथ, क्या बन जाएगा? ये बन गया CH3CH, ये OH, और यहां पे ये देखिए OCH3। इसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एल्कोक्सी ग्रुप। जुड़ गया है, नहीं जुड़ गया? अब यहां पे आपने किटोन लिया था, किटोन जब लोगे और एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा तो उसे बोलते हैं हेमीकिटल, और जब एल्डिहाइड लिया था तो इसका नाम क्या था? हेमी एसिटल। अब इसका नाम क्या है? हेमीकिटल, क्योंकि आपने किटोन लिया है। हो गया, अब इसकी रिएक्शन फिर से एक और एल्कोहल के मॉलिक्यूल से करवा दो। ये लो, फिर से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव, यहां पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव, यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये देखिएगा रिवर्सिबल रिएक्शन ये भी है। हो गया, ये H पॉजिटिव तो इस OH नेगेटिव को दे दो, क्या बन गया? H2O, और ये OCH3 इस कार्बन को जोड़ दो। ये देखिएगा, ये आपके पास है, यहां पे OCH3 जुड़ा हुआ था, ये ऊपर भी OCH3। कितने एल्कोक्सी ग्रुप हो गए? दो ग्रुप हो गए। इसका नाम होता किटल। क्या नाम होता है इसका? इसको बोलते हैं किटल। तो वो हेमी किटल था, और ये आपका क्या प्रिपेयर हो गया? किटल प्रिपेयर हो गया। कब? जब किटोन की रिएक्शन एल्कोहल से करवाते हैं तो हेमी किटल, फिर उसकी रिएक्शन दोबारा से एक और एल्कोहल से करवाते हैं तो कंप्लीट किटल। रिएक्शन सेम है जैसे एल्डिहाइड में करवाया था, बिल्कुल एज इट इज। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे मैंने एक एग्जांपल लेके तुम्हें बता दिया, हो जाएगा। अब ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, और बार बार मैं कह रहा हूं ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ये लगाने जरूरी नहीं है, ये आप रफ कॉपी में लगा सकते हो, लेकिन फेयर कॉपी में ये सिर्फ आप मत लगाना। आप जब भी नोट डाउन करो तो ये सीधा, लेकिन याद रखने के लिए पहले रफ कॉपी में तो याद रखना पड़ेगा भाई, रफ कॉपी में तो आपको करने पड़ेंगे तभी आपको याद रहेंगे ये। तो एक बार आप रफली बना के देख लो, उसके बाद नोट लगा दो, देखो जुड़ गया, ये आपको चाहिए था। अब आप एक क्वेश्चन और सुनिएगा। सबसे पहले तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्राई HCl, इस ड्राई HCl का फंक्शन क्या है पहले ये देखिएगा। दूसरी बात, जो आपके ये किटल बने हैं या यहां पे जब एल्डिहाइड लेते तो एसिटल बने हैं, अगर इन एसिटल की रिएक्शन दोबारा से किसी एसिड से करवा दें, किसी भी एसिड से करवा देंगे तो दीज अगेन कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कीटोन में। तो डाल लीजिएगा, व्हेन एसिटल एंड किटल अगेन रिएक्टेड विद द एसिड दीन दीज रीफॉर्म या रीजनरेट एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये एल्डिहाइड और कीटोन को दोबारा से बना देते हैं, रीजनरेट कर देते हैं। तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन से अगर एसिटल बन गए हो, दोबारा से एल्डिहाइड या कीटोन बनाना हो तो उनकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो? एसिड। तो जो एसिटल और कीटल बनते हैं इनकी रिएक्शन दोबारा से किसी भी एक्वस एसिड से करवा दो तो दोबारा से ये एल्डिहाइड और किस में चेंज हो जाएंगे? अगेन कन्वर्टेड इन टू कीटोन। तो व्हेन एसिटल और कीटल रिएक्ट विद एक्वस एसिड देन दीज अगेन कन्वर्टेड इन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हो जाएगा। अब देखिएगा आपके पास फंक्शन ऑफ HCl गैस, ड्राई HCl गैस, हटा दूं इसको, ये लीजिएगा मैंने हटा दिया। अब इसका फंक्शन देखिएगा आपके पास क्या है ड्राई HCl गैस का, तो आप डाल लीजिएगा फंक्शन ऑफ ड्राई HCl गैस, फंक्शन ऑफ ड्राई HCl गैस, ये देखिएगा। अब मान लेते मैंने कोई भी लिया, एल्डिहाइड लिया या कीटोन, वो आपकी इच्छा है जो भी लोगे, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बताया था सबसे पहले स्टेप में कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। यही बताया था ना, जब इनका मैकेनिज्म देखते हैं, और न्यूक्लियोफाइल भी इस कार्बन पे अटैक करता है जो सी डबल बॉन्ड ओ वाली है। कैसे? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे जाके इस पे नेगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। यानी कि इस कार्बन पे पॉजिटिव के कारण यहां पे नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी मैंने बताया था, इस कार्बन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल उतना ही फास्टली अटैक करेगा। बताया था या नहीं बताया था? तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना या न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए हमने ड्राई HCl गैस का यूज किया। तो ड्राई HCl गैस इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द एल्डिहाइडिक और कीटोनिक कार्बन सो दैट न्यू इलेक्ट्रोफाइल कैन इजीली अटैक, ताकि जो नया इलेक्ट्रोफाइल है वो आसानी से इस कार्बन पे अटैक कर सके। क्यों? जितना ज्यादा यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल फास्टली अटैक करेगा। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए हम ड्राई HCl गैस डालते हैं। कैसे बढ़ाती है ड्राई HCl गैस? सुनिएगा, ये आपने लिया R C डबल बॉन्ड O R,
तो क्या करेगा, ये जो HCl गैस है इसमें से H पॉजिटिव, इसमें से कौन H पॉजिटिव, कहां पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको अपने साथ जोड़ लेंगे कुछ समय के लिए, टेम्पररी। टेम्पररी जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ये देखिएगा, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, जिसको ये रख नहीं सकता, बहुत ज्यादा अनस्टेबल, इसलिए क्या करेगा ये इस इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से यहां पे ले लेगा, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तेजी से लेगा तो इस कार्बन पे मैक्सिमम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहां पे तो ये अपनी इच्छा से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को लेगा, अब ये फास्टली लेगा क्योंकि इसको जरूरत है बहुत ज्यादा, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई होगी तो न्यू इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा, फास्टली। तो इस एल्डिहाइडिक और कीटोनिक कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए ड्राई एचसीएल गैस डालते हैं, बोलो समझ आया नहीं आया, अरे ड्राई एचसीएल गैस डाला, उसमें से एच पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेगा, तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को और भी तेजी से लेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आ जाएगा, यानी कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी और नया इलेक्ट्रोफाइल फिर इजिली अटैक कर सकेगा। यह था फंक्शन ऑफ ड्राई HCl गैस, बोलो समझ आया या नहीं आया। एक और डाल लेते हैं, तो एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, हटा दो इन सबको, आपने अल्कोहल का एडिशन कर लिया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का कर लिया, HCN का कर लिया, सोडियम बाइसल्फाइट का कर लिया, अब देखिएगा एडिशन ऑफ ग्लाइकोल, एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, अगर इथाइलिन ग्लाइकोल का आप एडिशन करोगे तब क्या बनेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल्स का एडिशन करोगे तो ले लेते हैं कोई भी एग्जांपल इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए भी, मान लेते हैं मैंने यही सिंपल सा एक ले लिया, ये आपके पास एल्डिहाइड ले लिया, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, ये आपके पास है इथाइलिन ग्लाइकोल, दो कार्बन की चैन और उसके OH जुड़े हुए हैं, यही होता है ना इथाइलिन ग्लाइकोल, ड्राई HCl गैस, लेकिन कभी कभी पजल करने के लिए बता देता हूं यहां पे PTS भी लिखा हुआ आ सकता है, पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड, क्या होता है ये पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों का काम सेम है, हो जाएगा। अब क्या होगा, इसका ये हाइड्रोजन और इसका ये और ये ऑक्सीजन क्या निकल जाएगा, H2O निकल गया, अब जो बचा है उसको जोड़ दो, तो मैं जोड़ रहा हूं, क्या बन गया CH3CH, यही रह गया, इसमें से ऑक्सीजन निकलने के बाद इस कार्बन के दो बॉन्ड कम हो गए, एक इस ऑक्सीजन से जोड़ दो एक इससे, ये देखिएगा ये आपके पास था, एक इसके साथ जोड़ दिया एक इसके साथ, ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया, इसको बोलते हैं साइक्लिक, यहां पे एल्डिहाइड लोगे तो ये बनेगा साइक्लिक एसिटल, क्या बनेगा साइक्लिक एसिटल, अगर कीटोन लेते तो यहां पे क्या बनता साइक्लिक कीटल, और कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल एज इट इज रहेगा, तो अगर एल्डिहाइड लोगे तो साइक्लिक एसिटल, कीटोन लोगे तो क्या बनेगा साइक्लिक कीटल। अब क्वेश्चन सुनिएगा कैसे आए हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, कई बार आए हुए हैं, व्हाट आर द साइक्लिक एसिटल, ये क्वेश्चन आया हुआ, तो आप बताओगे व्हेन द एल्डिहाइड रिएक्ट विद द इथाइलिन ग्लाइकोल दीज फॉर्म ए साइक्लिक कंपाउंड दैट आर कॉल्ड साइक्लिक एसिटल, व्हाट आर द साइक्लिक कीटल, क्वेश्चन आ जाए तब आप क्या बताओगे, व्हेन कीटोन रिएक्ट विद द इथाइलिन ग्लाइकोल दे फॉर्म ए साइक्लिक कंपाउंड दैट आर कॉल्ड साइक्लिक कीटल, व्हाट आर एसिटल, व्हाट आर हेमी एसिटल, व्हाट आर कीटल, व्हाट आर हेमी कीटल, ये सब कुछ बहुत बार पूछे हुए हैं। अब एक क्वेश्चन और लिखिएगा, डाल लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं, राइट द हेमी एसिटल ऑफ प्रोपेनल, राइट द हेमी एसिटल ऑफ प्रोपेनल, हेमी एसिटल ऑफ प्रोपेनोल, हेमी एसिटल बनाना है किसका बनाना है, प्रोपेनल का बनाना है, तो सीधी सी बात है बनाइएगा हेमी एसिटल ऑफ प्रोपेनल, बना लो, प्रोपेनल का मतलब तीन कार्बन का एल्डिहाइड, ये ले लिया, हेमी एसिटल कब बनता है, एसिटल तो इसलिए क्योंकि एल्डिहाइड है, हेमी एक अल्कोहल का पार्टिकल, जो भी अल्कोहल आपका मन करे, क्योंकि इसने कोई नाम नहीं दिया, ये ले लिया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव बता रखा है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, जोड़ दो फिर इस पॉजिटिव को इसके साथ, इसको इसके साथ, क्या बन जाएगा, ये देखिएगा आपका प्रिपेयर हो गया है, इसके साथ ओ और एच, ये क्या जुड़ गया OCH3, इसको हम क्या नाम देते हैं, हेमी एसिटल नाम देते हैं, बोलो समझ आया या नहीं आया, अरे ये आपके पास था हेमी एसिटल ऑफ प्रोपेनल। इसी के साथ आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल कंप्लीट हो गए हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के, फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, कभी कभार पूछ लेता ग्लाइकोल्स और भी होते हैं,
जैसे कि कोई कंपाउंड आ जाए, एक होता है सिस ग्लाइकोल्स और एक होते हैं ट्रांस ग्लाइकोल्स। बड़ा पते का क्वेश्चन है इसलिए एक बता रहा हूं। सिस ग्लाइकोल और ट्रांस ग्लाइकोल अगर आ जाए और इनकी रिएक्शन आप एल्डिहाइड से करवाओ या फिर कीटोन से करवाने लग जाओ तो कौन सा रिएक्शन करेगा, सिस ग्लाइकोल या ट्रांस? जैसे कि एक एग्जांपल है, ये साइक्लोपेंटेन था, इसके अंदर क्या है, ये आपके पास सिस साइक्लोपेंटेन डाइओल है, इसमें दोनों एक तरफ ओवर जुड़े हुए तो सिस, और एक आपके पास था ये वाला ट्रांस जिसमें एक ओवच बाहर की तरफ था एक ओवच अंदर की तरफ, इसे हम बोलते हैं ट्रांस। तो ये कह रहा है ट्रांस वाला एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा या सिस वाला, क्वेश्चन ये बन जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार डिस्टिंग्विश के लिए भी आता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस ग्लाइकोल एंड ट्रांस ग्लाइकोल। तो हम कह देते हैं सिस ग्लाइकोल बाय रिएक्टिंग विद एल्डिहाइड और क्या बनाते हैं, साइक्लिक एसिटल, बट ट्रांस ग्लाइकोल्स नॉट रिएक्ट विद द एल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन के साथ करेंगे तो क्या बनाएंगे, साइक्लिक केटल, लेकिन जो ट्रांस वाले वो रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम साइड में होंगे तभी तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ओनली सिस फॉर्म वाले रिएक्ट करते हैं, ट्रांस फॉर्म वाले रिएक्शन नहीं करते हैं। तो आपसे कभी भी आ जाए ग्लाइकोल्स के बारे में तो ग्लाइकोल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए ग्लाइकोल्स के बारे में? ग्लाइकोल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए केवल जो सिस ग्लाइकोल्स हैं वो रिएक्शन करते हैं, ट्रांस ग्लाइकोल्स रिएक्शन नहीं करते हैं। हो गया, तो अब मैंने ये तुम्हें सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें बता दिए हैं, फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। और अब आपने वीडियो को देख लिया है, थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा, उसके बाद आप क्या करो, फिर से वीडियो को देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ एलिमिनेशन होगा, इसलिए क्या है उन रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, थैंक यू।